हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। वो इसी बेस पे आपका एग्जाम्स आने वाला है जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा। आज आपका आई होप संस्कृत का पेपर अच्छा गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश का है तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। सो एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस बेस पे आपका पेपर आने वाला है। सो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 3 आवर का पेपर है, कह रहा है 15 मिनट्स प्रायर द रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट पहले आपको रीडिंग सेशन के लिए दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन होंगे। पहला रीडिंग सेक्शन होगा, दूसरा राइटिंग सेक्शन होगा और इसके अलावा ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन होने वाला है। सेक्शन ए मेनली जो है रीडिंग बेस्ड 20 मार्क्स का होगा। दो पैराग्राफ होंगे 10-10 मार्क्स के, तो ये पैराग्राफ दिया होगा, इसके बेस पे आपको क्या करना होगा, आंसर फिल करने होंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो डायरेक्टली आप पैराग्राफ में टाइम वेस्ट ना करके सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने हैं और उसके ऑप्शंस को, और उसके बाद आप वन क्वेश्चन देखिएगा और उसका आंसर पहले पैराग्राफ में देखिएगा, तो आपको इस तरीके से इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा पहला बाइपर, सेकेंड का जो आंसर होगा दैट इज प्रे, थर्ड का जो आंसर हो जाएगा दैट इज सॉफ्टनेस, और फोर्थ का जो आंसर होगा दैट इज अफ्रेड ऑफ, और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फेयरलेसली डी। तो ये पहले पैराग्राफ का आंसर था। बाकी जो 5 क्वेश्चन और हैं उसके आंसर भी आपको उसी में मिल जाएंगे। ये आपको वन लाइनर में लिखना पड़ेगा, जैसे रसल्स बाइपर एंड द रैट में स्नैक्स हैव डिफरेंट मेथड टू अटैक प्रे हाउ। तो ये आंसर आप वहाँ देखिएगा और उसमें से ही देख के लिखना है आपको वन लाइनर में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये भी आपका 10 मार्क्स का ही होगा, ये पैराग्राफ होगा टोटल, और इसके बेस पे आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर है आपका 12, दूसरे का है लाइफ स्पैन ऑफ टाइगर होगा आपका 15 to 20 ईयर। थर्ड का आंसर द वाइट टाइगर इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ, थर्ड का हो जाएगा बंगाल टाइगर। फोर्थ द टाइगर आर क्लाइंबर्स एंड कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री इजली, तो ये होगा रॉस्ट। अ प्योर टाइगर इज टोटली वाइट विदाउट एनी स्ट्रिप्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपका ऑनलाइन होगा, इसका भी आंसर आपको वहीं पे देख के ढूंढना होगा। सेक्शन जो बी होगा वो आपका वो लेटर सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा यानी ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पे दो लेटर दिए हुए हैं। पहला कह रहा है लेटर यू आर द तरुण एंड तमन्ना लिविंग एट दिस एड्रेस बजीरपुर दिल्ली विच इज़ द रिसेटलमेंट कॉलोनी, जहाँ पे आप रिसेटल हो गए हो। यू आर डिस्टर्ब्ड टू सी द हीप ऑफ गार्बेज एंड द रबिस ऑल अराउंड, कि अपने आसपास जो गंदगी है गार्बेज है वो इकट्ठा हो रहा बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेनिंग अगेंस्ट द अनहेल्थी एनवायरमेंट। तो अनहेल्थी एनवायरमेंट पर आपको एक लेटर लिखना है। या फिर सेक्शन बी, ये भी आपका लेटर है, कह रहा है यू आर द सक्षम या सिखा लिविंग एट द 35 एड्रेस है मयूर बिहार दिल्ली, यू आर द डिस्टर्ब्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द रोड एक्सीडेंट एंड मिस हैपनिंग, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन द अबाउट 100 to 20 वर्ड्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टू द शोकेस एंड द सेम एंड क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द सिटीजन। तो आपको कि न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है कि रोड एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। तो ये दो लेटर है, मैं इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। सो सबसे पहले जो लिखेंगे आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आप रहते हैं वो जो दिया हुआ है डेट, फिर आपको एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर जिसको लेटर लिखना है वो आप टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर उसका एड्रेस, फिर स्टेट, फिर सब्जेक्ट आपका सेम वही रहेगा लेटर टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट द गार्बेज, ये सब्जेक्ट डालना है आपको एक लाइन छोड़ के, फिर डियर सर करके आपको यहाँ से कर देना है स्टार्ट। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके इसको देख के एक बार लिख लीजिएगा। लास्ट में क्या करना है, आपको योर सिंसियरली करके अपना नाम डालना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। दूसरा जो लेटर था रोड एक्सीडेंट का, वो भी उसमें भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा, पहले आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा जो दिया हुआ उसमें ऑलरेडी, वो सारा लिख के फिर एडिटर को लिखना है, तो एडिटर लिख दीजिएगा आप। उसके बाद फिर सब्जेक्ट डालना है हाईलाइटिंग ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ रोड या रोड एक्सीडेंट। ठीक है, फिर डियर सर करके आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में ये अवेयरनेस फैला देनी है। तो ये इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों लेटर का मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है। तो ये दो लेटर था, बाकी फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, आपको क्या करना है, कह रहा है चार्ट बिलो डिस्प्ले इज डाटा अबाउट द ऑनलाइन एक्टिविटीज़ फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप, ये कह रहा है अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप के। तो ये दिया हुआ है एक बार चार्ट ग्राफ। ठीक है, तो आप कह रहा है यहाँ पे पढ़ के एक पैराग्राफ लिखना है इस डाटा को एनालाइज करते हुए। तो आपको क्या दिख रहा है, टीन एज लोग कितने काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अबव द 30 ईयर कितने लोग काम कर रहे हैं, अबव द 40 एज कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बेस पर आपको 10 लाइन कम से कम लिखनी होगी। फिर सेकेंड आपका वही है सेम, रीड द एक्सपर्ट एंड द आर्टिकल्स अपेयर द हेल्थ मैगजीन, हेल्थ मैगजीन के लिए आपको बनाना है
इन टॉपिक को लेते हुए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, तो दोनों में इसको एक करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपका है आपका यहाँ पे नरेशन, तो नरेशन आप यहाँ से कर लीजिएगा, ये नरेशन के क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ एक मोरल्स वाले का। सो पहला है, इन द एनुअल डे सेलिब्रेशन द प्रिंसिपल डिक्लेयर अ लेक्चर, गुड इवनिंग चिल्ड्रन, सी यू ऑल विल बी द फ्यूचर ऑफ पॉलिसी मेकर। सर के होंगे पॉलिसी मेकर के फ्यूचर हैं, मतलब पॉलिसी मेकर के लिए बने हुए हैं। हैंस यू ऑट टू बी ओबे योर टीचर, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू विन द ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ योर सुपीरियर, यू मस्ट नॉट लीव एनी स्टोन क्या है अनटर्न, एंड यू डू नॉट वरी, यहाँ आएगा डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट टेक प्लेस दैट यू सेल अबे द रिस्पेक्ट टू योर। तो ये आपका मोडाल था, मोडाल से एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा एरर आने वाला है, इसमें क्या करना, आपको एरर लिखना है इसमें सबसे करेक्शन। तो जब पहले कह रहा था यूरिकेन इज द ह्यूज स्पाइनिंग स्टॉर्म दैट, तो यहाँ पे द गलत था, इसके जगह क्या आएगा ह्यूज स्पाइनिंग स्टॉर्म्स दैट फॉर्म्स ओवर अ वार्म ओशियन इट्स 300 माइल्स। तो यहाँ पे अ वार्म ओशियन की जगह क्या आएगा, एक जगह क्या आएगा द आएगा, ध्यान रखिएगा पहले का ऑप्शन एक जगह द। इसके अलावा कह रहा बाई इट स्क्वायर इन द आईज अ काम एरिया, तो अ काम एरिया का जगह क्या आएगा द काम एरिया, एक जगह द लिख दीजिएगा। इसके अलावा ऑन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म्स व्हेन द ह्यूरिकेन्स, यहाँ पे सेंटर ऑफ की जगह क्या आएगा सेंटर अ, यहाँ पे सेंटर ऑफ अ स्ट्रॉम आएगा, द की जगह ए आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट लैंड अवे द ब्रिंग हाई विंड्स हैवी रेन्स और की जगह यहाँ पे आ जाएगा एंड। तो ये आपका करेक्शन है, ध्यान के इधर करेक्शन लिखना है और इधर आपका एरर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है पैराग्राफ बेस, सेम आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेस पे इसके आंसर को देना है। तो इसका आप आंसर आराम से ढूंढ लेना खुद ही पढ़ के। नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, एक बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एनी फोर क्वेश्चन करने हैं, फोर में थ्री मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में से कोई क्या करना है चार क्वेश्चन करने हैं, तीन नंबर का होगा आपका। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके अलावा 11 क्वेश्चन जो होगा वो आपका तीन में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, तीन तीन मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चन आपके। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वो आपका सिक्स मार्क्स का होगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सेम 13 जो क्वेश्चन नंबर होगा ये भी आपका वन मार्क्स होगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप इस सारे क्वेश्चन को नोट करके आराम से याद कर लेना पेपरों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये आपका। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर है ये रहा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है, इसमें से कोई तीन दो क्वेश्चन करने थे तीन तीन नंबर के तीन में से, तो पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, 12 में से आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में ये पहले का ही दूसरे का आंसर है, दोनों में से कोई एक करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो ये दोनों का आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर मैंने आपको बता। सो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं इस सैम्पल वर्क की मदद से। सो थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, गुड लक।